ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप जानेंगे कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं। जन्माष्टमी मनाने के बाद आती है कान्हा जी की छठी या भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाते हैं। जैसे बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसकी छठे दिन हम छठी मनाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है और उसके छठे दिन छठी मनाई जाती है। आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल की छठी मनाइए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, आप सेवा नहीं करते लड्डू गोपाल जी की, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो से भी आप आसानी से छठी मना सकते हैं, आसानी से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक चौकी लगा लेनी है, उस पर आसन बिछाएंगे। मूर्ति भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है तो मैंने वो रखी है, तो उसको विराजमान करेंगे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को। और उसके बाद स्नान करने के लिए हम जल से छींटे देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उसे दूध से स्नान कराएंगे, नहीं तो आप मूर्ति है या फिर फोटो है तो आप उसे जल से छींटे देते हुए स्नान कराएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम शुद्ध देसी घी का दिया लगाएंगे, चंदन या रोली से तिलक लगाएंगे। शाम को ही देखिए यह छठी जो होती है, शाम को ही 4 बजे के बाद आप कभी भी मना सकते हैं। भोग में कढ़ी चावल और कहीं कहीं पर खिचड़ी भी बनाई जाती है। दिए को तिलक लगाएंगे और उसके साथ ही खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं पर हम कलावा भी समर्पित करेंगे। फिर काजल लगाएंगे, आंखों और पैरों पर भी हम काजल लगाएंगे, राधा जी को काजल लगाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को भोग समर्पित करेंगे। तो उस भोग में हमें तुलसी अवश्य ही समर्पित करनी होती है। फिर 7 बार हम न्योछावर करेंगे, फिर आरती करेंगे। 7 बार न्योछावर ऐसे वार करके और फिर हम न्योछावर करते हैं, आरती करेंगे, भजन या कोई मंत्र चाहे कुछ अच्छा भी आप गा सकते हैं। फिर जल को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अर्घ्य देने के बाद भोग को हमें बांट देना है। न्योछावर को किसी को दान कर सकते या कोई भी लड्डू गोपाल की हम कोई चीज ला सकते हैं। इस प्रकार से आपने जाना कान्हा जी की छठी, भगवान श्री कृष्ण की छठी कैसे मनाते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।